गोहाना विधायक जगबीर मलिक ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। सिविल रोड स्थित अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में गलत इनकम दिखाने से आम जनता में भारी आक्रोश है। किसी की पेंशन कट गई है, किसी का बीपीएल कार्ड कट गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पोर्टल पर दी गई जानकारी की फिजिकल जांच भी करनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की मेरी फसल मेरी बीमा योजना के तहत अन्य प्रदेशों के किसानों की जमीन भी हरियाणा की दिखाकर करनाल की मंडी में बेची गई, जबकि विधायक से प्रूफ मांगे जाने पर उन्होंने मीडिया में दिखाई खबर का हवाला दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा संचालित सभी पोर्टल से हो रही जनता की परेशानी को उठाया और गलत करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाने की बात कही। फैमिली आईडी पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले यह मुद्दा विधानसभा में उन्होंने ही उठाया था, जिसका सरकार ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 5,000 रुपये लेकर रात रात में फैमिली आईडी की त्रुटियों को ठीक किया जाता है। इस दौरान उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि सरकार सिविल कोड की डिग्री को सही मानेगी या फिर इस फर्जी सर्वे को सही मानेगी। ऐसी बहुत सारी गलतियां सर्वे कंपनी ने की है, लेकिन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। इस दौरान विधायक ने भारत जोड़ो यात्रा को जाति धर्म के नाम पर तोड़ने की राजनीति करने का भाजपा पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी की यात्रा को जोड़ने वाली यात्रा बताया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को एक आदर्श शक्ति भी बताया। सबसे पहले तो दर्शकों को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। सरकार से अनुरोध है, जो इसने विभिन्न प्रकार के पोर्टल जो लागू किए हैं उनमें सुधार किया जाए या उनको बिल्कुल खत्म किया जाए, ताकि आम जनता इन पोर्टलों से बहुत परेशान है। कहीं भी देखो, कहीं डॉक्टर सही नहीं मिल गया, गरीब आदमी के लिए ऐसी हालात कर दी। विशेष तौर पर जो बीपीएल के कार्ड खत्म हो रहे हैं उसमें जो फीड किया जा रहा है उसमें सारा रॉन्ग डाटा है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है। किसी 2 साल के बच्चे की आमदनी 50,000 रुपये दिखा रखी है, एक परिवार की मजदूर परिवार की 9-9 करोड़ रुपये तक काम में नहीं दिखा दी। मतलब ये कहीं भी वेरिफिकेशन नहीं, किस आदमी ने वेरिफिकेशन की है, किसने ये डाटा कलेक्ट किया है, ये कोई भी किसी पर ना ऑब्जेक्शन मांगे गई, ये भी ऑब्जेक्शन नहीं मांगे गए कि आपकी आमदनी इतनी है आपके परिवार पहचान पत्र में और आपका पीला कार्ड जो है क्यों ना काट दिया जाए, इसका कोई लोगों से नहीं माना गया, ताकि लोग अपनी स्थिति को एक्सप्लेन कर सके। एक तरफा कार्रवाई चल रही है, गरीब आदमी को उनके राशन से महरूम किया जा रहा है, दूसरा बुढ़ापा पेंशन 10 लाख, तो कम से कम ये 10 लाख से भी ज्यादा जो है ये बीपीएल कार्ड काटे गए, 10 लाख परिवार बेघर हुए। इसी प्रकार जो बुढ़ापा पेंशन है, कई लाख बुढ़ापा पेंशन, हालांकि विधवा पेंशन जो विधवा है जीवित है उसकी भी काट दी, पता नहीं उसने क्यों काट दी, किसने कराया। और आप पीछे देखा हुआ जब इसके बारे में प्रदर्शन हुआ, तो इस प्रकार के ये पोर्टल फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराई इन बातों की। अपने आप पोर्टल पर कोई काट देता है, कोई कर देता है, तो जनता इन पोर्टलों से परेशान है। इसी प्रकार किसान के जो पोर्टल है, तो अब मेरी फसल मेरी मेरी बीमा, इस टाइप के जो पोर्टल है उन्होंने जो कराया रजिस्टर, यूपी की जो है जमींदार सारे करनाल में बेच के गई अपने जिन्हें उनकी इनकी जमीन भी जो है यूपी वालों की हरियाणा में दिखा दी और उनकी सारी जिन्हें यहाँ खरीद ली। तो इस प्रकार एक दूसरे प्रदेश की जमीन दूसरी जगह दिखा देना, ये भी इनका काम है सारा। मतलब मेरे ख्याल में हरियाणा में ये बहुत ही आम आदमी परेशान है। किसान को जो 6,000 रुपये किस्तों की बात थी उसमें भी सब गड़बड़ी है, उसमें भी कोई बात नहीं आई। तो मैं ये समझता हूँ ये जो पोर्टल बनाए हैं ये सारे गलत है, इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए और जिन अधिकारियों ने ये गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि ये जनता जो परेशान हो रही है उसको जो है ना। अब 9,000 रुपये बिजली के बिल की बात करते हैं, कई ऐसे मामले हैं, ऐसी शर्तें लगा दी ताकि लोगों का राशन कार्ड कट जाए और बगैर वेरिफिकेशन भी काट दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार से प्रार्थना करता हूँ जो कटी हुई पेंशन वो बहाल करके, उनको पेंशन है या कार्ड है बहाल करके उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाए, उन लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे जाए या उनसे दूसरी
इस ढंग की कार्रवाई की जाए कि वो सेटिस्फाई हो। अब लोग परेशान है यूपी की। आपकी मीडिया की बात कर रहा हूँ। मीडिया ने कहा है कि जो यूपी की किसान थे उन्होंने करनाल में अपनी बहुत फसल बेची है, थोड़ी नहीं बहुत है, पकड़े भी गए हैं, ये नहीं केस भी दर्ज हुए हैं, वो भी अधिकारी भी सस्पेंड हुए हैं। तो ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है, ये तो सरकार की बातें। और ये पोर्टल पोर्टल कुछ नहीं है, ये सब मैंने देखा है, अगर नकली सारा काम चल रहा है। कोई जिसके पास पोर्टल में, मैं यहाँ की बताता हूँ आने की, जो 7,000 रुपये दिया करते इस बात के कि जो बाजरा बोएगा गेहूँ धान को छोड़ के वो पैसे मिलेंगे, उसमें भी लगभग 6 करोड़ रुपए एक गांव में नंबर 2 के पैसे गए हैं। वहां बाजरा नहीं था, धान थे, लेकिन पैसे उन्हीं को मिले। कहाँ गई वो सारे पोर्टल? अब मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, उसमें लोगों ने बाजरा नहीं बोया, धान के धान बोए, लेकिन फिर भी उनको 7,000 रुपये पर एकड़ जो है दिया गया। कैसे दिया गया, किसकी मैनिपुलेशन थी? ये सारा काम जो ना, ये जितने भी पोर्टल है ना, मैं कोई पोर्टल आप देखो, हरेक में कमियां हैं, हरेक में लागू करने वालों में कमियां हैं, फिर उसमें सिस्टम में कमियां हैं। तो सारे लोग परेशान है, किसान परेशान है, गरीब आदमी परेशान, मजदूर। सरकार को आप देखो कितना भारी भ्रष्टाचार इस प्रदेश में है। हमने डायरेक्ट एविडेंस दिए, डायरेक्ट। अब ये रहे, अब मैं बताऊं आपको, ये अधिकारी बेलगाम है, सरकार से काबू नहीं आ रहे। अब यहाँ पर आपने देखा होगा खानपुर रोड पे जो पानी भरा है, आज तक पानी साफ नहीं हुआ, लेकिन मैंने वहां सवाल लगाया तो उसमें कह दिया पानी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड सड़क है। लाठ गांव में पानी है, उसमें कह दिया लाठ गांव में कोई पानी नहीं है, वेल मेंटेन्ड है। जवाब आया अधिकारियों का, मैंने उसके खिलाफ भी उनके खिलाफ भी लिखा है। और ऐसी बहुत ऐसी बातें हैं जहाँ अधिकारी जवाब प्रॉपर विधानसभा में भी नहीं जवाब देते, और विधानसभा में भी जो है मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। इवन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ये कहा था, और किसानों के फसल का नुकसान का वो आंकलन करेंगे मेरी हाजिरी में, और जो है गन्नौर की विधायिका है, उन दोनों की हाजिरी में आंकलन करेंगे। लेकिन आज तक ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर का विधानसभा में आश्वासन था, आज तक कोई इनका आंकलन करने वाला नहीं आया, इन लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। बार बार विधानसभा में आवाज उठाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये सरकार गूंगी बेरी सरकार है, इन लोगों के हितों से कोई, लोगों के उससे कोई मतलब नहीं है। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।